औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम इश्फीक भाई, शरीक क्या हाल है तुम्हारा? ठीक है इश्फीक भाई। सबसे पहले जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा है सेशन में कि हमने जो रोड के टिपिकल्स वगैरह होते हैं उनको कैसे रीड करना है, अब ये जो टिपिकल है ना ये वाला, इसकी जो डिटेल है ना ये ऊपर से, अब ये सिंपल इसकी लाइनें हैं, ठीक है। अब इसको हमने नॉर्मल कैड के अंदर बनाना है, ठीक है। और फिर इस टिपिकल के व्यू से ना, इस टिपिकल की मदद से जो हमारा सॉफ्टवेयर है ना, सब असेंबली कंपोजर, हेलो, जो हमारा सॉफ्टवेयर है ना सब असेंबली कंपोजर, थोड़ा सा उसको भी टच करना है, ठीक है ना, क्योंकि साथ साथ उसको लेके चलेंगे ना तो फिर जो चीज़ें हैं ना वो ज़रा ज़्यादा बेहतर होंगी। ठीक है ना, ये जो पॉइंट लिंक शेप है ना ये वाले, ये सारी अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा ना तो यहाँ पे थोड़ा सा आप डिस्टर्ब होंगे। अब हमने एक तीर से दो शिकार करने हैं। क्या करना कि एक तो मेरे टिपिकल बनाएंगे, वो टिपिकल भी हमारा नॉर्मल कैड के अंदर बनेगा, फिर उस टिपिकल को ले के ना इस प्रोग्राम को देखेंगे कि ये जो प्रोग्राम है ये कैसे काम करता है टिपिकल बनाते वक्त, ठीक है। आप एक पेपर ले लें, ठीक है, पेपर के ऊपर ले के ना आपने मसलन जो जो स्टेप हमने करने हैं ना उसको आपने छोटे छोटे शॉर्ट्स कोड्स के साथ ना लिखते जाना है। जैसे मैंने लाइन लगाई तो लाइन इंटर, फिर मैंने पॉइंट लगाए तो पॉइंट इंटर, फिर मैंने सेंटर से ऑफसेट लगाया तो ऑफसेट इंटर, यानी जैसी आप जो मैं बोलूँगा जैसा आपको समझ आए ना एक शॉर्ट कोड की मदद से आपने पेपर के ऊपर लिख लेना है, ठीक है। हेलो, ये किसने होल्ड किया है? हेलो, कौन होल्ड कौन कर रहा है? होल्ड क्यों कर रहे हैं शायद तुम वीडियो नू? चलो शाह जी, चलो जी सर, सब ना पहले असी कोशिश करने कि इन्हें सारे टिपिकल्स के बीचों उस टिपिकल्स से काम करिए जिहड़ा साडा जोन वन दे विच जिहड़े आ रहे हैं ना, ठीक है, बजाय कि एवं एक्स्ट्रा मेहनत करने बेहतर है कि सानू क्लीयर होवे कि असी किस प्रोजेक्ट किहड़े टिपिकल्स असी बनाने ने अपने जोन वन दे इस रोड दे मुतालक, वो सानू किस तरह कन्फर्म होगा, वो सानू इस तरह कन्फर्म होगा कि साड़ी जिहड़ी एच एफ एसफॉल्ट है ना जो प्लान है साडा, अगर उहदी लाइना साडे कोल इत्थे पेस्ट हो जाण, साढ़े को मुकम्मल रोड की विड्थ जी कन्फर्म हो जाएगी और सानू टिपिकल बनाने आसानी होगी, ठीक है। तो मैं कोशिश करना कि मैं जिहड़ा मेरा टिपिकल वे ना वो प्लान वे मैं उन्होंने जरा वो जो एज एफ एसफॉल्ट है ना वो कापी करके इतने पेस्ट करना ताकि मैं काम करने आसानी हो जाए जरा, ठीक है। ओपन फाइल, ठीक है, ओपन फाइल जाके असी करांगे ताड़े वाला सी ये नहीं होना, ये होगा मेरे काम में मुदसर फुरसान प्रोजेक्ट है, ठीक है, स्टॉर्म रोड्स फुरसान अलाइनमेंट फुरसान एज एफ एसफॉल्ट है, ड्राइंग में खुद लगा, ठीक है। ए मेरी एज एफ एसफॉल्ट सारी, ठीक है, तुसी भी जिस टाइम काम करना तो हर चीज़ वक्री वक्री अपनी बना के ड्राइंगा रख लेंगे ताकि जिस टाइम काम करो, ठीक है ना। ये भी एज एफ एसफॉल्ट कंप्लीट नहीं है, देखो कुछ लाइना मिसिंग है, ठीक है, ठीक है ना, कुछ लाइना मिसिंग ने तकरीबन ए ओवरऑल बाकी सारा ठीक है, ए हिस्सा कुछ थोड़ा जहा उपू मुना इतना लाइना जी ना ए मिसिंग ने, बहरहाल चलो कोई मसला नहीं, असी लाइना कॉपी कर लवेंगे उतू, ठीक है।
ठीक है, बजाय के सारा उतो कॉपी कर दे। हूँ एक सैकेंड इतने तुम चेक करो प्रॉपर्टी जाके सिंपल की आ रहा है, लाइन आ रही है, ठीक है ना, सिंपल लाइन है। अगर मैं इन सिलेक्ट कर ला इस जगह तो यह भी की आ रही है, ठीक है, आर के, ठीक है। हूँ चाहे मैं इतों कापी कर लव, चाहे मैं उतों कापी कर ला, मगर अगर यह लाइन अगर एक्सपलूड हो ना तो बाद उकात जिस वक्त मैं अपने को इतने एक पॉइंट लिख लो इस जगह पर ना, एक साइड के उपर लाइन एंड पॉलीलाइन डिफरेंस, लाइन एंड पॉलीलाइन डिफरेंस अबाउट कॉरिडोर टारगेट्स, सर पॉलीलाइन यानी डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड पॉलीलाइन, लाइन एंड पॉलीलाइन, हाँ की लिखो की लिखिए तुसी, हाँ बस ठीक है, ऐ सही है। ते जिस वक्त असी अपना कोरिडोर चलाना होना, अगर अज चलाने या कल चलाने तुसी यह पॉइंट जिहड़ा ना ये रिपीट करना जरा, फिर तुहानू उस टाइम क्लीयर होगा। कोशिश करनी है ने कि जिस वक्त तुसी एज एफ एसफल्ट अपनी पेस्ट करनी है ना वो पूरी लाइन दे विच होवे, किहदे च होवे, जिस टाइम तुम एज एफ एसफल्ट पेस्ट करनी है ना अपने किसी प्रोजेक्ट के उपर, जिस तरह के साडा जोन वन प्रोजेक्ट असं काम कर रहे हैं उपर, ठीक है, यह वाला है साढ़े को इतने अलाइनमेंट्स मौजूद ने, ठीक है। अगर हूँ असी ये इर्द गिर्द अपनी एज एफ एसफल्ट पेस्ट करनी है, कोशिश करनी कि जी एज एफ एसफल्ट है ना वो पूरी लाइन के विच होवे, ठीक है। पूरी लाइन किस तरह होगी कि जिस वक्त असी कॉपी करनी है ना उधरों अपनी मेन ड्राइंग के उपरों, एम पहला कॉपी की थी, शायद मैंने कोई जरूरत से उस वक्त पता नहीं की, तो मैं इन्होंने लाइन च ही किया, मैं दोबारा चेक कर लेना इतने को ड्राइंग पई हो, पूरी ड्राइंग हो, देखो ए पूरी ड्राइंग है वाली, ठीक है ना। मैं इन्हू ओपन करना वा, ठीक है। हूँ अगर इतने अस चेक करिए ना तो इतने भी साढ़ा वो डाटा मिसिंग है वे, जब मैं डाटा प्रिपेयर किया ना अपने वास्ते किसी काम वास्ते, इतने भी वो डाटा मिसिंग है वे, नज़र आ रहा तुम्हें, देखो है हाँ, लेकिन मिसिंग है वे, यानी कि ये थ्रू आउट एरर पिछू ही आ रहा है, लिहाजा मेरा इतों भी काम स्टार्ट नहीं होना, मैं ये मेन ड्राइंग खोल ला, ठीक है, प्रोजेक्ट की जिदे मैं आसानी हो जाए वो चीज़ कॉपी करने वास्ते, पॉइंट क्लीयर होया तुहानू सर के नहीं क्लीयर होया, मैं की करना चाह रहा, एसफाल्ट नहीं अपना अपना प्लान लै जिस टाइम लैके आना प्लान, हाँ जी हाँ जी, आई एफ सी ड्राइंग ने वाली ऑनलाइन, ठीक है, वर्क रोड्स, ठीक है, ड्राइंग्स कैट, ये साढ़े को चेक करने हूँ साढ़े को ड्राइंग असी खोली जिस एज एफ एसफाल्ट मौजूद है, डायमेंशन, ठीक है, मौजूद है, एक बार खोल के देखने, क्योंकि क्योंकि अगर पूरी लाइन के बच्चे नहीं ना होगा, ठीक है, तो फिर मसला यह बनेगा कि जिस टाइम असं रन कर लेने ना अपने कोरीडोर वगैरह उस टाइम सानू टारगेट्स देने पैंदे ने, तो टारगेट्स के
मेरे ख्याल लाइन च भी शायद चल जाता है, पता नहीं यार इस तरह करने हैं। अगर उस टाइम उठे मैं फाइल से काफ़ी टाइम लग जाना होना, फिर कोई डाटा कापी करना अस ना कंप्यूटर हैंग हो जाना, तो मैं फिर ना कल किसी टाइम कर लवोंगे वाला काम। नहीं तो तुम क्या अगर होया तो मैं अपने तरीके कड़ देना देना। मैं इस तरह कोशिश करना वा कि जी एच एफ एस फॉल्ट है वाली एज इट इज़ ही मैं फड़ना वा, ठीक है, तो कंट्रोल सी करना, ठीक है। और जी मेरी वर्किंग ड्राइंग है ना ए वाली जिद प्रोफाइल वगैरह बनाए हुए हैं, ले जाके पेस्ट कर देना। हले डेटा कॉपी नहीं हो रहा ना, मैं कॉपी कंट्रोल सी की कमांड से अप्लाई की थी, मगर वो हले टाइम ले रहा था। अः देखो 8722 ऑब्जेक्ट उन्हें कॉपी कर लेन, ठीक है। मैं आ गया अपने इतने, मैं करना राइट क्लिक क्लिपबोर्ड पेस्ट ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। मैं इतने करना थोड़ा आइसोलेट, आइसोलेट ये अलाइनमेंट है ना थोड़ा इंटर, आइसोलेट मैं कहना सर रेड कलर थोड़ा कलर चेंज कर लेना थोड़ा मैं, एक दफा मैं सारा सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने तो बाद ठीक है जी मेरी अलाइनमेंट एज एफ एस फॉल्ट है ना, मैं कोशिश करना जो कलर है ना कलर लाइन्स नहीं ना, पर मसला है ना लाइन चलो बाहर वो सफेद होया कोई थोड़ा जहा बिचू ना लाइंस आर्क्स होली लाइंस वाइट, ठीक है हो गया, ठीक है ना। प्रॉपर्टी जाके मैं सरफेस प्रॉपर्टी कोई नहीं कर लेंगे, कोई मसला नहीं, आराम से बैठो बस अपने काम कर लो, ठीक है, तंग नहीं करो, ठीक है। ठीक है शेख भाई कोई एडा इशू नहीं, लेकिन फिलहाल असी जोड़ा काम करना ना असी तकरीबन एक ऐस प्लॉट से काम करने फिलहाल है जो सा एरिया ना ए वाला मसलन ए प्लॉट इन्होंने काम करने, ठीक है। हूँ साढ़े को एच एफ एस फॉल्ट आ गई है, ठीक है। हूँ असं देखना मैं एच एफ एस फॉल्ट तू साइज की बन रहा साढ़े रोड का, ठीक है, ठीक है। क्लिक किया मेरे को आ रहा है 9 मीटर 55,
देखो मैं यह काम करते वक्त काफ़ी सारी गलतियां कर रही ताकि तुम्हें पता चल सके कि तुम्हें किहड़ा प्लान रन करना है, किस प्लान पर किहड़ा कोरीडोर रन करना है, यानी सानू हुण किस तरह पता चलेगा कि यह जो रोड है वाला किन्ने मीटर की विड्थ हैगी। जो सू रोड का कन्फर्म नहीं होना तो सू फिर यह किस तरह कन्फर्म होगा कि इतने कि टिपिकल रन होना है। सही है ना, सब ना पहला तो सू प्लान ये कन्फर्म करना पवेगा कि इस रोड की जी एच एफ एसफाल्ट वो किन्नी है, ठीक है। उस तो बाद फिर असी देखनी है कि किड़ा टिपिकल उस एच एफ एसफाल्ट मैच करता पाया। सब ना पहले असं चलने अपने टिपिकल के उपर, इतने अस चेक करने हैं, ठीक है। यह जरा कोशिश कर रहे हैं कि चेक कर ली कि यह जो साढ़े मीडियन है ये 30 मीटर है। उन्हें क्या कि प्रॉब्लम हैगी है पता नहीं, यह जरा एच एफ एस फॉल्ट अभी कॉपी की थी ना वाली जब एसफॉल्ट तो हैगी है, लेकिन कन्फर्म नहीं हो रहा कि ये मीडियन है कि नहीं है, ये इनकम्प्लीट इनफॉर्मेशन नहीं समझे गल न, थोड़ी जी वर्किंग सन। बिल्कुल ये कन्फर्म, हाँ जी वो प्लान सू खोलना पैना, प्लान खोलने बगैर नहीं काम होना है ना। मैं जिस चक्कर के ना नहीं बेटा नेट नहीं देख रहे, आप आराम से बैठ जाओ, दो घंटे के बाद अभी दो है ना, आपने 3:30 बजे मोबाइल देखना, ठीक है ना, तब तक मैं काम कर रहा हूँ। दो शफीक भाई थोड़ी जी वर्किंग सानू इत्थे करनी पैनी है ना प्लान के उपर ना कुछ, जिस तरह पहला स्टार्ट किया डाटा बना प्रिपेयर किया, इस तरह ही ये साउंड डाटा कुछ कढ़ना पैना मैं, ठीक है। तो सब ना पहला जो रश है ना वाला सिलेक्ट सिमिलर रख के मैं इन्हें डिलीट कर लगा वा, ठीक है। हाँ जी शीटा प्रिंटिंग वास्ते उन्होंने साइज बनाया ना, तो पूरे प्रोजेक्ट उन्होंने शीटा डिवाइड किया, लेकिन मैंने यह नहीं चाहिए है इस फाइल काफ़ी हैवी बन जाती भी, मैं ये जी एच एफ एसफॉल्ट लैनी है ना अपनी वो लैनी है किसी तरीके के नाल, तो रश घट होगा तो फिर ही पता चलेगा मैंने सामने ही ना इसको छोड़ दो बस इसको नीचे देखो बस। मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग बंद कर लवान तरह ये जी शीक भाई, हूँ असं चेक करना कि साडा जो प्लान है वह किस टिपिकल नाल मैच करेगा, ठीक है ना। साढ़े को 30 सेंटी की आ रही है, साढ़े को सेंटर की कर्व आ रही है, ठीक है। सेंटर के उत्तों साढ़े को आ रहा है या पहला लेन आ रहा ना वो आ रहा है 3:42 मीटर, यानी 3:42 मीटर तो मुराद कि 15 सेंटी बच्चा भी ऐड ना वाला भी इतू हो जाए इस जगह 45 सेंटी बन जाएगा, यानी कि यह 33 हो जाए ना फिर इस जगह तो 33 हो गया। अगर आप हाँ जी अगर 15 सेंटी अगर माइनस करने से इस जगह तो ठीक है 33 हो गया, ठीक है। तो इस साइड पर भी साढ़ा चेक करने की आ रहा साढ़े को तकरीबन 33 आ गया, ठीक है। यानी कि असी टिपिकल च वो चीज़ देखनी है टिपिकल दे विच जिहड़ी साड़ी सेंटर दे विच होवे कर्व होवे और लेन साढ़ा किन्ना 3:30 मीटर लैफ्ट राइट, उस तो बाद साढ़े को तकरीबन यह पार्किंग हैगी है वाली, तीन मीटर 60 सेंटी
सही है ना, ए नज़र जी ए चीज़ नज़र आ रही है ना हमारी, ए उत्थे मेरे ख्याल नाल 10-15 सेंटी की होनी है, चेक करने कि नहीं है 30 सेंटी की है ना, ऐसी की हैगी ये मेरे ख्याल के नाल कर्व हैगी जी इंज इन इस तरीके कवर करेगी। बहरहाल साढ़े को डिटेल मौजूद है इस जगह के उपर, ठीक है, इस रोड के उपर, ठीक है ना। हूँ असी इस डिटेल लैके ना जरा टिपिकल चैक कर रहे हैं कि टिपिकल के चीज़ साढ़े को नाम की अवेलेबल है। टिपिकल जाने असी असी सब ना पहले एक ऐसा रोड देखना जिसे सेंटर 30 सेंटी की कर्ब हो बजाय ये कि सारे टिपिकल बनाते फिर ये वे वे जो 40-40 मीटर के जो जरूरत पवे कि उदू बनावे उस पहला टाइम जाया करने की जरूरत है, अगर फाइल देना टाइम जाया हो गया। अच्छा जी असं बॉटम तो स्टार्ट कर रहे हैं इस जगह के उत्ते, साढ़े को सेंटर कोई कर्ब नहीं है, यदा मतलब कि ए टिपिकल उत्थे 18 मीटर का रन नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। उपर जाने असी इस जगह के उत्ते साढ़े को मीडियन है, कह रहे मीडियन कि 30 मीटर का, लिहाजा ये भी उसे रन नहीं होना, ठीक है। उस तो बाद असं चलने अगे मूव कर रहे हैं, इतने की कह रहे हैं ए 30 सेंटी की कर्ब हैगी देखो जरा, ठीक है ना। वो कह रहा टोटल जोड़ा रोड है वह 22 मीटर है वे, मगर वो की कह रहा वे कि साढ़े को जो लेन है वह 3-3 देने, ये कह रहा कि जिस जगह पर 30 सेंटी यूज करके कर्ब साढ़े को लैफ्ट साइड 5 मीटर 50 सेंटी की होगी उत्थे टिपिकल रहना रन होना वे वन वे डायरेक्शन, ठीक है। यह चीज़ ध्यान ना देखनी जरा, अगे चलने असी 6 मीटर 60 सेंटी है वे, ठीक है, ये भी कह रहा वे 6 मीटर 60 ये 3-3 बनता दिया, मगर जो 30 सेंटी साढ़े को सेंटर के निकल रहा है, लिहाजा ये भी टिपिकल साढ़ा उत्थे रन नहीं होगा। अगे चलने अगे चल के साढ़े को चैक करने इतने की कह रहा, हाँ ए कुछ है चक्कर इतने 30 सेंटी सेंटर च आ रहा वे, वो कह रहा लेन है 3-3 सेंटी का साढ़े को मौजूद है, फिर है 3-3, ठीक है, टोटल हो गया 6 मीटर से 60 सेंटी कितों, अगर 15 सेंटी सेंटर च पाइए तो 6 मीटर 75 बनता वे, ठीक है। फिर कह रहा 30 सेंटी का शोल्डर है वे, शोल्डर मीन कर्ब, ठीक है। फिर कह रहा 2.5 मीटर की पार्किंग है, मैं कैलकुलेटर जमा करना सारा कितना बनता भला जरा, सेंटर चु 0.15 प्लस 6.6 प्लस नहीं 6.6 इस तक हो गया ना, कि साढ़े को आ गया 0.3 प्लस 2.5 तक पहले चेक कर लिए कि आ रहा है, साढ़े को आ रहा 9 मीटर से 55 सेंटी। अगे साढ़े को साइडवाक लैंडस्केप 2.95 मीटर का, असी फिलहाल इस वैल्यू कंसीडर करना 9.95 मीटर। जरा चेक करिए प्लान जरा, हूँ देखो साढ़े को 30 सेंटी का सेंटर आ गया, 15 सेंटी साढ़े को सेंटर टू जी कर्ब हैगी एज, फिर 3.30 मीटर का लेन, फिर यह जी असी इतने की इनू असी वापस लैके जाइए क्योंकि साड़ी इतने फिर कर्ब यूज हो रही है, यह भी 3.3 हो गया। अगे फिर 30 सेंटी की कर्ब हैगी
उस तू बाद ऐ साढ़े को 2.5 meter उन्हें कहा सी टिपिकल के मुताबिक चेक करिए 2.5 meter आ रहा भला ठीक है। उस तू बाद वो कह रहा सी 2 meter 95 cm का लैंडस्केप एरिया वे डी इंटर मैं डायमेंशन मॉडिफाई जाके प्रिसिशन 3 कर दें जाके वो जड़ा वे ना ठीक है यानी ये साढ़े को क्लिक करने जगह गलती हो सकती है लेकिन है इन्ना ही है देखो ना क्लिक नहीं सही होया बाहर मेन मकसद सिर्फ ये टाइम नहीं जाया करना कि साढ़ा ये 2.95 ही ठीक है ना डन हो गया ना यानी कि सानू क्लियर हो गया कि इस जगह के उपर साढ़ा ओटीपीकल रन होगा यार रोडना का नाम की है वे हाँ साढ़े को इतने मौजूद नहीं है असि हूँ इन्हें जनाबे अनुसार सारे इन सारे एक मिनट इन काफ़ी कर पहले ना पहले जी वर्किंग ड्रैंग से साड़ी है वाले जो तुम बना के घलिया सी है वाला ठीक है ना यह सारा जो जब समान जिन्ना भी है ना सानू नहीं चाहिए होने वाला राइट क्लिक सिलेक्ट सिमिलर ठीक है गुड बाय ठीक है जी इन भी कॉपी करिए सिलेक्ट सिमिलर या डिलीट ठीक है डिलीट ए जी ए फाइल्स ने वाली HFS फाइल ए वाली यदा डाटा कॉपी करिए तो पेस्ट कर दी अपनी वर्किंग ड्राइंग दे विच ठीक है शीक भाई जरा कंट्रोल सी किया वे ऑब्जेक्ट्स कॉपी कर लवे हूँ जो काम तुम कह रहे हो सर तो क्वेश्चन किया कि सू दसना नहीं है कि रोड से कड़ा टिपिकल असं रन करना वे हूँ तुम एक एक पेपर लै लो तो वो आप ही लिखो राइट क्लिक कॉपी क्लिप बोर्ड पेस्ट ओरिजिनल कोआर्डिनेट ठीक है ना हूँ सानू पता चल गया वे रोड का नाम ही पता चल गया वे ए रोड हैगा वे ठीक है ना ए साढ़े को रोड ए देखो ए रोड हैगा वे ठीक है ना ए चेक किया वे अच्छा चुप कर जो मैंने जब आपसे पहले कहा था कि मैं काम कर रहा हूँ फिर आप मुझे बार बार क्यों तंग कर रही हूँ अभी हमारा काम स्टार्ट हुआ पहले तो हम ड्राइंग सेट कर रहे थे तो तुम आराम से बैठ जाओ तो अंकल क्या नाराज होते ठीक है जी शफीक भाई ए देखो जरा हूँ ठीक है ना ए साड़ा कि रोड है वाला ML1 वाला ठीक है ना ए उपर पोई लाइन थले अलाइनमेंट है पोई लाइन सिलेक्ट किया सिलेक्ट सिमिलर करो सब ना पहला ठीक है करके सानू ये चाहिए लाइन है साढ़े को अलाइनमेंटा मौजूद है इन बेहतर है कि इन ऑफ कर छोड़ो लेयर नू कोई लाइन ठीक है ना चलो जी ऑफ हो गई सारियाँ कुछ बाकी ने बकरा उन्होंने बाद चु कर लेंगे कोई मसला नहीं है सिलेक्ट सिमिलर सिलेक्ट सिमिलर उस बाद राइट क्लिक करना डिस्प्ले आर्डर जाके सेंड टू बैक ठीक है कंट्रोल एस
ਦੋ ਸਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਲੈ ਲਵੋ ਆਪਣੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਪੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਰਨ ਹੋਣਾ ਵੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਟਿਪੀਕਲ ਨੰਬਰ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਇਹ 25 ਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, 25 ਮੀਟਰ ਦਾ ਰੋਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਿਡਥ, ਟੋਟਲ ਵਿਡਥ ਹੈ ਕਿਸ ਤੱਕ, ਸਾਈਡ ਵਾਕ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਈਡ ਵਾਕ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਇਹ 25 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਪਲੋਟ ਲਿਮਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਟਿਪੀਕਲ ਇਹ ਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ 25 ਮੀਟਰ ਰੋਡ ਵਿਡਥ ML, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ML। ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ML 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਡਾਟਾ ਅਨਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ML 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ML ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੋਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਪੀਕਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆਵੇ, ਸੈਕਸ਼ਨ 22 ਮੀਟਰ RO, ਇੱਥੇ ML ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਹੁਣ ਨਾ ਲਿਖਿਆ SL, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ। ਉਹਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟਿਪੀਕਲ ਉੱਤੇ ਰਨ ਹੋਣਾ ਵੇ। ਨੰਬਰ 2 ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਡਿਟੇਲ 2, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰਵ ਬਣੀ ਹੈ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਰਬੀ 'ਚ ਬਰਦੋਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਰਦੋਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਦੋਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਰਦੋਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 30 ਸੈਂਟੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ 30 ਸੈਂਟੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਵ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰਵ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਹ ਡਿਟੇਲ 2 ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਡਿਟੇਲ 2 ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਥੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚੌੜਾ ਵੇ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਵੇ, ਇਹ ਸਲੋਪ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੈਂਫਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਰਵ ਸਟੋਨ ਡਿਟੇਲ 2 ਫਾਰ CL ਐਂਡ ML ਰੋਡਸ, ਥੱਲੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਫਾਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਰਵ ਸਟੋਨ ਡਿਟੇਲ ਫਾਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੋਕਲ ਰੋਡ 18 ਮੀਟਰ ਐਂਡ ਆਫ ਸਟਰੀਟ ਪਾਰਕਿੰਗ। ਯਾਨੀ ਇਹ 2 ਕਰਵ ਸਟੋਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਕਰਵ ਸਟੋਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਕਰਵ ਸਟੋਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵ ਸਟੋਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ CL 'ਤੇ ਅਤੇ ML ਰੋਡ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਟੇਲ 3 ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਫੋਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੋਕਲ ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਦੀ 18 ਮੀਟਰ ਵਿਡਥ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਫ ਸਟਰੀਟ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯੂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਦਾ ਸਾਡੇ ਟਿਪੀਕਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਟੇਲ 2 ਯੂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਡਿਟੇਲ 2 ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਟੇਲ 2 ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਿਪੀਕਲ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਥਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਜੀ ਟੋਪ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰੀਏ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉੱਤੋਂ NHA ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। Ctrl C, ਜਿਹੜੀ CAD ਦੀ ਫਾਈਲ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਲ ਟਿਪੀਕਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂਅਲ ਬਣਾਉਣੀ ਅਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ Ctrl V। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਰੀ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ Ctrl V। ਇਹ Drawing 1 ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਟਿਪੀਕਲ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਉਹ ਫਾਈਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂਅਲ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ
कुछ लेयरां बनाने अपनियां आरटीपीकल दे विच कैंसल लेयरां बाय डिफॉल्ट कित्थों आ गईयां ने अपनियां फिनिश ये मेरे ख्याल जिहड़ी असीं फाइल कापी लैके आए सर इत्थे पेस्ट नहीं की उन्हें लेयरां कापी कर लईयां ने मैं फाइल नूं डिलीट कर दिया मैनूं फाइल ब्लैंक फाइल चाहीदी जिहदे विच सारा काम मेरा स्टार्ट टू एंड होवे मैं अपनियां लेयरां बनावां देखो ऐप बिल्कुल ब्लैंक ड्राइंग हैगी ठीक है सब ना पहला असीं ते की करांगे असीं लेयरां बनावांगे जिहड़ियां कि नॉर्मल कैट दे विच लेयरां बनाई दियां शहरी किस तरह लेयरां बनाई दियां सानूं असीं टिपिकल दे मुताबक असीं जिहड़ी ना थोड़ी डिटेल चैक करने आ साडे कोल सी एल होनी चाहीदी है एक है कर्ब हैगी है ठीक है एक राइट लेन है ठीक है उपर उस तों बाद फिर साडे कोल पार्किंग है फिर साइडवाक इहदी जरूरत नहीं मैनूं हैगी बनाउण दी लेकिन ऐ मैं इस वजह तों बना लगा तुसीं जिहड़ा जिहड़ा असीं कम करना ना सब असैंबली कंपोजर दे विच ठीक है ना उहदे वास्ते इहनूं समझना जरूरी है क्योंकि अगे जिहड़े टिपिकल आ रहे ने ना उहनां दी कुछ डिटेलां इहदे विच नहीं बननी हैगियां लिहाजा उह सानूं बनाने पैणे ने टिप सब असैंबली कंपोजर दे विच ठीक है ना नॉर्मली असीं की करांगे असीं पहलां इस तरह करने आ इक लाइन लगाने आ सी लाइन नॉर्मली लाइन ठीक है जेड इंटर ई इंटर ठीक है साढ़े को लाइन लग गई है उस बाद जनाबे अली अबू जी कोई चीज़ नहीं सी लैनी बस थोड़ा जहा कमरा है बस इंशाल्लाह मैं करना फिर अच्छा जी ये साढ़े को जी सब ना पहली चीज़ है ना साढ़े को ऑफसेट है 15 सेंटी लैफ्ट 15 सेंटी राइट ठीक है इन अस देंगे ऑफसेट शफीक भाई देखो जरा मेरे को एक ऐप पॉइंट सी हूँ जी चीज़ मैं कर लगा जरा गौर करो जरा पी टाइप देखो मैं एक पॉइंट लगाया सी एक लाइन का लाइन लगाने वास्ते पॉइंट लगाया सी मेरा सेंटर लाइन पॉइंट हैगा वे जो मैं ऑफसेट किया वे तो मेरे को यह ऑफसेट लगे 15 सेंटी दे पॉइंट ही बन गया ना अभी एक हिसाब का पॉइंट हो गया ठीक है तो अभी पॉइंट हो गया एक पॉइंट हो गया ठीक है ठीक है सर हूँ असं की करना अगे नैक्सट चलने ड्राइंग दे विच देखने 25 मीटर वाला वो कह रहा वे कि 30 मीटर तू 3 मीटर 30 सेंटी साढ़े को एक होर साड़ा लेन है वो स्लोप जा रही है इस तरीके दे नाल ठीक है यानी कि इस जगह तू लाइन कितनी है 3.3 ठीक है ए मैं स्ट्रेट लाइन लगाई है ठीक है ना मगर ए लाइन साढ़े को 2% की स्लोप दे नाल है इस तरह ही गल देना सी ए एल कैलकुलेटर ठीक है
ਤੇ 3 ਤਰੀਕ ਨਾ ਬੰਦਾ 3.3 ਜ਼ਰਬ 0.02 6 cm ਤੇ 6 mm ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਆਫਸੈਟ ਦੇਣਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮੈਂ 3.5 स्लोप बन गई ठीक है ना दुआ अब नेट इस्तेमाल कर रहे हैं अब को बोलो पापा कह रहे हैं बस थोड़ा सा नेट में ना चलाएं जरा ठीक है सर जी क्या ए भी साडा एक पॉइंट नहीं बन गया आ गया तुम गौर करो ए पॉइंट साडा किस तरीके दा आया वे ए स्लोप दे नाल एक पॉइंट लगा ठीक है और इन्हें दो पॉइंटा नू केड़ी चीज़ मिला रही है एक ए लिंक एक लाइन यानी मैं ए कह यानी मैं दूसरे लफ्ज़ में ए कह सकना वा कि इस पॉइंट के उत्तों जिहड़ा ए पॉइंट है एक साड़ी लाइन लाई असी स्लोप दे नाल 3.3 mm तक गई है ठीक है और सानू ए ही पता वे कि ए साड़ी एक्स वैल्यू है और ए साड़ी वाई वैल्यू है बिल्कुल इतने मैं जरा थोड़ा जहा स्टॉप करके सब असैम्बली कंपोजर में खोलन लगावा ताकि थोड़ा जहा ओवरव्यू तुम्हें मिल जाए वह भी ठीक है ताकि दोनों चीज़ें चल दिया रहन जिस वक्त मैं सब असैम्बली कंपोजर खोलागा ना तो उस वक्त फिर मैनू टाइम नहीं जाया करना पवेगा अपने को पेपर के उपर तुम लिख लवो कि तुम ए जो पॉइंट लगाए ने असी स्लोप के नाल लगाए ने ठीक है ना जिस यानी इस तरीके लिखो कि कल तुम याद तुम ये जिस टाइम वेखो ना तेरे जेहन च आ जाए कोई भी तरीका लिख लिया जनाब देखो ए उपर ए मेन जो सब असैम्बली कंपोजर है ना मैं सब असैम्बली कंपोजर समझा नहीं रहा लेकिन थोड़ा जो ओवरव्यू दे रहा वा ठीक है ना क्योंकि दोनों चीज़ों नाल नाल लैके चलना वे ठीक है ना सब असैम्बली कंपोजर सॉफ्टवेयर है ठीक है ज्योमैट्री एडवांस ज्योमैट्री एक्सिलरी वर्कफ्लो तो मिसलिनियस ये 5 टैब ने जिन्हों के उपर ये पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर है अगर ज्योमैट्री खोल लवा ए पॉइंट लिंक एंड शेप है ठीक है ये सेम उ पॉइंट ने जोड़े असी ऐसे लगा रहे हैं ठीक है ना ए वाले पॉइंट ने मगर इतने असी इन्हों उन्होंने फर्क की है इतने असं पॉइंट लगा रहे हैं आटो कैड में कमांड दे रहे ऑफसैट और साड़ी मर्जी के नाल लाइना लगा रहे असी उहदे एंड पॉइंट नूं पॉइंट लगाई जा रहे हैं इतने असं की करना वा कि इतने असी खुद वैल्यूज देनियां ने इहनूं असी खुद वैल्यूज देनियां ने इस जगह वे उहदी हाँ जी तो इत्थे दा प्रव्यू क्रिएट होगा ठीक है ना बस अज वास्ते इन इहदे वास्ते इन्ना ही बड़ा वे ठीक है ना ताकि तुहानूं पता चल जाए ठीक है जो असं इतने काम करांगे ना फिर इंशाल्लाह तुहानूं मजीद क्लीयर हो जाएगा ठीक है ना यह चीज़ तुसी बार बार मैं रिपीट कर रहा कि अपने कोल जिहड़ा असीं काम कर रहे हैं ना पॉइंट लगा रहे हैं लिंक लगा रहे हैं स्लोप लगा रहे हैं टिपिकल दी अपने कोल पेपर के उत्ते इन्हें पॉइंट और लिंक्स नूं बस इस तरीके नाल तुसी लिखना कि जिस टाइम इन्हां साडे सामने पेपर करो ना तुहानूं पता चल जाए कि यह मैं कादे वास्ते लिखिया सी ठीक है कोई भी कोड दे लो अपनी आसानी वास्ते मैनूं नहीं चाहिए है और जस्ट ताडे वास्ते ठीक है सर नैक्सट असी की करना वे असी अपने टिपिकल के उपर चल रहे हैं असी इस जगह पर आ गए हैं ठीक है ना अगर मैं इन्हें सिलेक्ट करा इन ठीक है मैं 3.3 mm एक लेन लगा लिया उस बाद फिर 3.3 mm है ठीक है और वो भी 2% की स्लोप है ठीक है तो क्या मैं इनू कॉपी नहीं कर सकता
CEO कॉपी इस जगह तो मैं कॉपी करना वा ए मैं रेफरेंस पॉइंट और मैं इतने जाके पेस्ट कर देना ठीक है। और देखो अभी मेरा एक पॉइंट अभी पॉइंट क्रिएट हो गया मेरा एक ठीक है। अच्छा जी हूँ मेरे थ्रू थ्रू आउट मेरा राइट साइड के किन्ने पॉइंट बन गए ने ऐ मेरा सेंटर का पॉइंट ऐ मेरा कर्व का पॉइंट वन मेरा पॉइंट कर्व का नहीं है ऐ मेरा वो पॉइंट है जितों मेरी एसफॉल्ट या मेरा टिपिकल कर्व के नाल अटैच हो रहा है यानी मेरी कर्व की शक्ल को इतने इस तरीके की बनेगी अगर रैंडम जी मैं शक्ल बनाना वा अंदाजे के नाल ना एक लफ्ज असं पाकिस्तान बोलने होने तो छड यार बड़ा वह बड़िया बरीकियां ही जाता है बरीकियां करता भाई अक्सर रिश्तेदार नहीं कहते हैं गल कि करनी है उसने शुरू कर लो बरीकियां शुरू कर लेंदा यानी असल दे विच ए पॉइंट उस कर्व के उपर लग रहा है जिथों साड़ी एसफॉल्ट स्टार्ट होनी है यानी ए कर्व का पॉइंट नहीं है उस कर्व के उस हिस्से च लग रहा है ठीक है ना। ठीक है उस तू बाद अगे चलने साढ़े को लेन तक असं आ गए हैं इस तू बाद साढ़े को इनफॉरमेशन चैक करने वो कह रहे हैं इस जगह पर फिर साढ़े को है 30 सेंटी का एस एच वाई शोल्डर है ठीक है नहीं ना लग पी तुम ना वाशरूम जाना चलो हो वाशरूम कोई मसला नहीं मैं पाउज कर ला जी शफीक भाई हूँ असी लगाना में ए वाला पॉइंट ठीक है साड़ी जो शोल्डर दे साड़े पॉइंट है ना शोल्डर आ रहा 30 सेंटी का ठीक है ना 3 मीटर 30 तो बाद ठीक है। और जरा गौर करना है इतने एक चीज़ है कि जो शोल्डर है ना शोल्डर ऐ देखो जी साड़ी स्लोप रिएक्ट हो रही है ना वो शोल्डर दे एज तक वे जी 2% की स्लोप आ रही है शोल्डर के एज तक वे ना कि शोल्डर का हिस्सा भी स्लोप के अक्सर औकात की होंगे वे जिस बंदे टिपिकल बनाते हैं ना तुम अक्सर सुनोगे तुम जिस टाइम खुद खुद लैवल मैनुअल कैलकुलेट करते हो ना तो सही निकलते हैं तुम टिपिकल बनाते हो तो टिपिकल को रन करते हो जो सिविल 3D को लैवल लेंगे तो लैवल फिर खराब निकलते हैं वो वजह यह होंगी कि असी छोटे छोटे पॉइंट गौर नहीं करते अगर 30 सेंटी का जो डिफरेंस है अगर स्लोप के नाल लगा देंगे तो जिस टाइम असं ए पॉइंट लवेंगे तो एने तो स्लोप ना देने सही है ना। हूँ यह जो जिते साड़ी 3 मीटर 30 सेंटी का पॉइंट खत्म हो रहा है ना उस तो अगे स्लोप नहीं है ये स्ट्रेट है यानी कि इस जगह के उपर एक 30 सेंटी की लाइन लगानी असी ठीक है इस जगह के उपर असी 30 सेंटी की लाइन लगानी है स्ट्रेट ना कि स्लोप के विच ठीक है। यह लाइन लग बिल्कुल सेम होएगा अगर सेम होंगे तो साड़ा काम ठीक है ठीक है। यह पॉइंट लग गया ठीक है।
उस तो बाद असी टिपिकल देखते हैं, टिपिकल कहता वे कि इस तू बाद इतने 2.5 मीटर की पार्किंग है, 2.5 मीटर की पार्किंग स्लोप जी डाइवर्ट हो रही है उल्टी, इतने ड्रेनेज होगी, यानी इतने एक ना नजर आने वाली नाली बनेगी पंजाबी दे विच, यानी जिस टाइम रोड से पानी पवेगा वो पानी भी इधर आएगा सीधा, पार्किंग पानी पवेगा वह भी सीधा इधर आएगा, अगू फिर इतों जो ग्रेड होगा जिधर अगर इधर जा रहा तो इधर जाएगा, अगर इधर आ रहा तो इधर आएगा, यानी डिजाइनर ने कोशिश की है कि रोड के उत्ते पाइपलाइन का काम ना घट तो घट हो, ठीक है, असी रोड न उस तरीके का बनाया जाए कि पानी ऑटोमैटिकली फ्लो वह आउट हो जाए, समझ आई गल दी, इस टिपिकल की खूबी जिस जगह के उत्ते पाइपलाइन का काम होगा स्टोन का बस जाओ ले जाओ। ठीक है सर जी, हम असी 2.5 मीटर की पार्किंग लेन बनानी है, ठीक है, हाँ जी मैं ही करना वा कि मैं इस जगह के उपरों एक लाइन लगाना स्ट्रेट 2.5, ठीक है, यह लाइन लग गई है, लाइन टू पॉइंट फाइव मीटर, ठीक है, हूँ 2% जी स्लोप है ना, अगर मैं वह हिसाब क्ढा ना तो कि बनता 2.5 × 0.02 5 सेंटी, यानी कि इनू मैं ऑफसेट दें 0.05 उपर न, ठीक है, तो इनू चुप ऐ साड़ी, ठीक है, डिलीट सी ओ कॉपी, ठीक है, साढ़े को असी अपनी पार्किंग के एरिए तक आ गए हैं, ठीक है ना, अगे नैक्सट चल रहे असी, वो कह रहा इस तू बाद 2.95 मीटर का साइडवाक है जिस कोई स्लोप नहीं, असल च यह उ स्लोप है जी कि 2% की आ रही है, हाँ मगर ये एक मसला है, इस जगह साड़ी कर्व भी आ रही है, करब आएगी ना, करब तो बाद साड़ा वो एज ऑफ एसफॉल्ट जिहड़ा ना स्टार्ट होना, सही है ना, यह करब आ रही है, इस बाद साइड वॉक, ठीक है ना, असी हुण की करना है, यह साढ़े को अपने टिपिकल दी टॉप दी लाइन बनी है, कि लाइन बनी है टॉप दी, टॉप जी टॉप इन्हां दी टॉप रोड दी एसफॉल्ट, हाँ जी जिहड़ा सरफेस होना वे, इतने असर डिटेल पढ़ने पेवमेंट डिटेल, वो कह रहा है इतने उन्हें थोड़ा दसिया टिपिकल के बारे ना कि इतने कि चीज़ यूज होनी है, ठीक है, ML for ML ए की कह रहा है वे करब स्टोन डिटेल फॉर एक्सटरनल रोड, ठीक है, ए डिटेल करब स्टोन डिटेल फॉर CL and ML, ठीक है ना, इतने असं चेक करना वे ए कह रहा 1, 2, 3, 4, 5 ते 6, ए 6 चीज़ा टिपिकल यूज हो रही ने, चेक करने केड़ी केड़ी है, वो कहना सब तो उपर है 5 सेंटीमीटर बिटवीनियस वेयरिंग कोर्स, यानी 15 सेंटी की एसफॉल्ट है, उस थले ट्रैक कोट है PC1 का, RC1 या PC1 वो जी लुक नहीं खिलार लुक, हाँ
उस थले फिर जनाब जी सॉरी ये ट्रैक कोट है लुक नहीं है थोड़ी थिक लुक होंगी है 0.1 to 0.3 ठीक है। उस थले फिर कहते 7 सेंटीमीटर की बिटमीनी स्पेस कोर्स है ऐ वाली 7 सेंटी वाली। उस बाद थले कहना 20 सेंट प्राइम कोट होगा MC1 का। अगर थलों उपर जाओगे तो सारियाँ समझ आएगी। सब तो थले थी आनी है 6 नंबर देखी है वेल कंपैक्टेड सब ग्रेड लेयर यानी चंगी तरह कहता कि चंगी तरह उन्होंने कुटना वे उन्होंने दबा के उन्होंने लेयर नू पाना वे और लेयर किस उस वो जी लेयर वे ना उदे वेच तुसी ए मटीरियल यूज कर सकते हो A1A या A1B या A24। इस तो अलावा तुसी सब ग्रेड च मटीरियल नहीं यूज़ करना ऐ यूज़ करना वे तो 30 सेंटी पाना वे। उस बाद विद CBR वैल्यू नॉट लैस दैन 25% ठीक है ना। उस उत्ते आ जाए वो तो कहना वे यह जी चीज़ ने ए वाली है 5 नंबर वाली वो कह रहा है 20 सेंटी एग्रीकेट रोड बेस ये इन कहते हैं बजर नाल थोड़ी मिट्टी मिक्स होती है जी। शफीक भाई हेलो शफीक भाई लैट तुर गई फिर जी। शफीक भाई लैट ने वाकई बड़ा तंग किया है ना। अच्छा जी ठीक है सर असी हूँ देखो असी इस टाइम इतने आ गए हैं अपने टिपिकल चैक करने असं कि पॉइंट पर खड़े हैं असी खड़े हैं इस टाइम अपने इस जगह के उपर ठीक है ना इस जगह के उपर ठीक है। असी इन्ना हिस्सा टिपिकल का बना लें असी डिटेल चैक की थी ए बारी कि साड़ी 30 सेंटी सबग्रेड 20 सेंटी ए वाली एग्रीगेट 7 सेंटी ठीक है तो यह डिटेल दस जी। 5 नंबर तो कह रहे कि 20 सेंटी एग्रीगेट उस बाद एग्रीगेट के उपर आएगा एक प्राइम कोट MC1 का ठीक है ना। तो उस बाद 7 सेंटी की बिजमेनियस बेस कोर्स है यानी यह भी एसफल्ट ही होंगी है लेकिन थोड़ा ये पत्थर जोड़ा ना पत्थर मोटा हों यानी मोटे तो मुराद थोड़ा सैल सड़ा ना ज़्यादातर हों। उस उपर फिर एक छोटी बजी जिम्मे जिम्मे चिप स्टैप बजी नहीं होंगी चिप स्टैप वो बे बिजमेनियस वेयरिंग कोर्स पैना लेकिन वह एंड देगा वे ठीक है ना। मसलन इस टाइम वो नहीं हैगा वो एंड दे पैना वे ठीक है ना। लिहाजा असी सेम इस चीज़ दियाँ असी चैक किया कि सब तो उपर सा कि ऑफसैट नीचे ऑफसैट आएगा 7 सेंटी ऑफसैट 0.5 सेंटी आएगा ठीक है। अभी 5 सेंटी आ गया 5 सेंटी आ गया ठीक है। हूँ इस शोल्डर से इस जगह से मेरे को डिटेल कन्फर्म नहीं हैगी कि इतने कर्व केड़ी आ रही है की सीन है ठीक है ना। मैं इनू यही समझना वा कि जी सेम स्पेसिफिकेशन मेरी एदी है ना यदि भी आई है ठीक है ठीक है। यह साढ़े को आ गया टॉप का एरिया। उस तो बाद कह रहा 7 सेंटी साढ़े को ठीक है एक लेयर है ठीक है ठीक है। उस तो बाद उस तो बाद 20 सेंटी साढ़े को एग्रीगेट है ठीक है। ठीक है सब तो लास्ट साढ़े को 30 सेंटी की सब ग्रेड ठीक है। तो
ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। देखो ये जिथे जिथे बन रहे ने, क्या इन्ने पॉइंट नहीं साढ़े को बन रहे, पॉइंट बन रहे, क्या पॉइंट बन रहा, ठीक है ना। उस तो बाद साढ़े को पॉइंट बन रहा, ठीक है, यह पॉइंट बन रहा, बन रहा, बन रहा कि नहीं बन रहा, सेम पोजिशन साढ़े को बन रहे ने पॉइंट, इस तरह ही गल है ना। यानी कि असी कह सकते हैं कि कोई भी जो टिपिकल है ना, जो जहाँ मर्जी हो, जिस तरह का मर्जी हो, दो तो तीन चीज़ों ना मिल के बनता है, नंबर एक पॉइंट तो नंबर दो लिंक्स। इन्होंने पॉइंटा लिंक ही मिला रहे ना आपस, लाइना मिला रही कैड असी लाइना कहोंगे, ठीक है। जिस वक्त असी सिविल थ्रीडी जी काम करांगे ना, तो असी इन लाइना लिंक्स कहोंगे, ठीक है ना। यानी कि अगर असी गिनीए तो राइट साइड से इन्नी शक्ल बनाने वास्ते, असी ज़्यादा हाले कर्व किसी कर्व की गल नहीं कर रहे, सिर्फ इन्नी शक्ल बनाने वास्ते इस तरह की शक्ल सेम ज्योमैट्री की साढ़े को किन्ने पॉइंट लगे ने असी चैक करने हैं, एक दो तीन चार पाँच, पाँच तो पाँच दस, तो पाँच पंद्रह, पाँच बीस, तो पाँच पंजी, तो पाँच लिंक ने, एक दो तीन चार पाँच, यानी पंजी पॉइंट और पंजी लिंक मिल के यह चीज़ बना रहे हैं। और मज़े की गल है कि यह हाले किसी साइड तो क्लोज नहीं हुई हाले, हाँ जी, एने इतों लिंक ने एने क्लोज नहीं किया, गौर करो ना जरा, लिहाजा मैं इन्हों भी क्लोज करना वा। अगर एक कॉन्सैप्ट क्लीयर हो गया ए वाला, तो समझो तुसी सब असैम्बली कंपोजर जरा, ठीक है ना, एखो लग रहे लिंक क्लोज हो रही है, यानी कि यदा मतलब ये वे कि पंजी पॉइंट पंजी लिंक ए वाले, तो बाद क्लोज करने वाले भी लिंक चाहिए ने, ठीक है। यह साइड क्लोज हो गई, हूँ असी इनू क्लोज करना, ठीक है। हूँ यह जो लिंक वे लग रहा वे, इनू क्लोज कर रहा है। अच्छा, हूँ यह कन्फर्म नहीं है कि यह जो लिंक वे ये बाउंड्री क्लोज कर रहा है, ये ब्लू नू कर रहा है कि पर्पल नू कर रहा है, फरोजी नू, फरोजी नू कर रहा है। इहदा मतलब ये वे कि अगर असी ब्लू लिंक नू भी क्लोज करना वे ना, तो ये थले सेम ब्लू के लिंक भी होंगे, वो भी चाहिए ने। लेकिन असी फर्ज ये करने कि साढ़े को जी इन्नी शेप आ रही है ना ए वाली, हूँ तुम गौर करो, तीन त्री है जो तीन त्री है, ठीक है ना, ये बन गया साढ़े को 6 मीटर 60 सेंटी। हूँ 6 मीटर 60 सेंटी साढ़े को एक स्लोप च आ रहा वे, तो क्या असी स्टार्ट 6 मीटर 60 की कि लाइन नहीं ला सकते, ला सकते सर। यह लाइन मैं इस वजह तो लाई है ताकि बाजुकात की होंगे, तुम जिस टाइम सऊदी अरब जाओगे ना, अगर जिस टाइम तुम काम करोगे ना सिविल थ्री डी, ठीक है ना, इतने तकरीबन सिविल थ्री डी की कैलकुलेशन जी एक मिनिस्ट्री है, वह नाम है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट MOT,
ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਥਰੀਡ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੇ, ਗਰੇਡਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿਵਲ ਥਰੀ ਡੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਐਂਡ ਫਿਲ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਰਥਵਰਕ, ਕਟਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਲਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਥਰੀ ਡੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ, ਨੰਬਰ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੂਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਜੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਜੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਜੀ ਇਹ ਲਿੰਕ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਲਿੰਕਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਦੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਭੈਣ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡੋਂਗਲ ਅਰਥਵਰਕ। USP ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ USP ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 30-35,000 ਰਿਆਲ। ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ USP ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ 19 ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਵੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਲਣਾ, ਵਰਨਾ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿਵਲ 'ਚ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਕੈਟ 'ਚ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਮੈਨੂਅਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 8-9 ਹਜ਼ਾਰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੇ ਅਰਥਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਰਥਵਰਕ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਐਸਾ ਵੇ ਕਿ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਉਹਦੀ USP ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦਫ਼ਤਰ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਸਰ, ਮਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਦੀ, ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਐਕੂਰੇਟ ਅਤੇ ਸਬਮਿਟ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇਣਾ, ਬਿਡ ਕਰਨਾ, ਜਲਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿਵਲ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਕਿ 40,000 ਦੀ USP ਲਵੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇਵੋ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, 4,000 ਰੁਮਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਬਣਾ ਲਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਵਲ 3D ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ।
सही है ना, असी उस केस नहीं जा रहे, असी फिलहाल जी जिस मिनिस्ट्री ने असी काम कर रहे हैं ना, एम ओ आई एम ओ एम ओ आई एम ओ एच, ये सारी कैलकुलेशन सिविल की मानते हैं, ठीक है। और सिविल के भी दो वर्जन ने, एक वर्जन है पेड वर्जन, ठीक है, पेड पेड पैसे वाला, वो तकरीबन कोई 15 to 16 हज़ार रियाल, शायद 5,000 डॉलर बनता, 4,000 डॉलर 5,000 डॉलर वो पर ईयर का आता। असी जो लोग यूज़ कर रहे, जरा मैं यूज़ कर रहा, तुम यूज़ कर रहे हो, एक ने क्रैक वर्जन, ठीक है ना। हाँ जी, यहाँ की तकरीबन असी कैलकुलेशन कर लेने, लेकिन जो अगे लेंथी कैलकुलेशन आती है ना, फिर उत्थे चीज़ा नहीं अप्लाई कर रहे, अप्लाई करते हैं तो फिर सानू करन दा पता नहीं हुंदा, एरर देंदे ने, सॉफ्टवेयर हैंग हो जाते हैं, काफ़ी सारे मसले मसायल आते हैं, अभी तक असं देखा, ठीक है। नहीं शरिया जी, यूट्यूब मैं तेन लिंक मैं तेन कलिया ना, मैं कलना से शफीक भाई तेन गलती आ गया, ठीक है, मैं लिंक तुम कलना जी कर दूंगा शरिया, हाँ उन्होंने चला गया लिंक ना अफसर का। तो अच्छा असं गल कर रहे सी टिपिकल की, ऐसा तुम लिंक आ गया, ठीक है। अच्छा जी जी शफीक भाई, हूँ असी यह चीज़ बना रही है, ठीक है। हेलो हेलो, लगता शफीक साहब का फिर लाइट चली गई, शरी चलो कोई गल नहीं, फिर वो भी हम सिस्टम का हिस्सा है कि बंदा कर सकता, कोई जरूरत नहीं है। चलो अच्छा जी, असी गल कर रहे थे सिविल 3D की, कि अभी अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हुई, स्क्रीन 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 शेयर, असं गल कर रहे सिविल 3D की, सिविल 3D की कैलकुलेशन वो ठीक है ना, नहीं थोड़े जो प्रॉब्लम होंगे ने, जो पेड वर्जन होंगे वो भी थोड़ी जी कैलकुलेशन एक्यूरेट होंगी है, लेकिन वो भी किसी जगह के उपर तंग करता है, अगे जाके देखा, ठीक है ना। फिलहाल तुम इस चक्कर से ना पवाले, ठीक है, असी इन्ना हिस्सा बना रहे। हूँ प्रॉब्लम यह हुई अगर साढ़े को नैक्सट कि सेम ए चीज़ साड़ी की है लैफ्ट साइड दे, असी राइट की बनाई है, सेम ए चीज़ साड़ी लैफ्ट साइड दे, ठीक है, और असी सेम इस चीज़ नू मिरर कर देने, ठीक है सर। एम आई मिरर साढ़े को वाला पॉइंट है, ठीक है, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट दे सी देना है, एम आई मिरर इस जगह के उपर ना, ठीक है, यह साढ़े को दोनों साइड का लेन बन गया, ठीक है। हूँ असी यह जो पॉइंट्स लिंक लगाए ने ना, ये तुहानू समझ आ जाने चाहिए। हम इस फाइल में फिलहाल इतने छड़ना वा, इनू करना कंट्रोल एस, ठीक है, डे 6 टिपिकल पॉइंट लिंक कॉन्सेप्ट, ठीक है, और मैं सेव कर छड़िया। हूँ इस फाइल की असल च यह जो सारा कॉन्सेप्ट सी ना, तो देने का जो मकसद सी वो असी इस्तेमाल करना है अपनी
इस फाइल के विच जिहड़ी कि सिविल 3D की फाइल है वर्किंग वाली फाइल के विच ठीक है। हुण असीं सर इस जगह के उपर कोरीडोर रन करना है और कोरीडोर रन करना सानूं पता है कि साढ़े को तीन चीज़ों का होना जरूरी है। नंबर एक सरफेस, नंबर दो अलाइनमेंट, नंबर तीन प्रोफाइल, चौथी चीज़ असीं बनाने असैम्बली ठीक है ना। यह असैम्बली असल दे विच रोड का टिपिकल ही होंदा ठीक है। उस तो पहला असी जी ए ड्राइंग है ना वाली एदा इन्ना हिस्सा कापी करके अगर अपने को लै आई इतने लै आईए फाइल से तो बेहतर नहीं तो चलो बाहर आओ बार बार इधर उधर जाना बेहतर है कि इन्हें फट के उधर लै आईए ताकि जो सू क्लीयर रहेगा। हाँ कंट्रोल सी ठीक है वर्किंग च गए कंट्रोल वी ठीक है। कौन बार वादा मारन है पापा जी रोटी खा लो सानू कहते पे डेरी कापी कर लें अस चलो जी ये भी इधर ले आओ इस जगह के ऊपर कंट्रोल भी ठीक है जी। साढ़े को डिटेल भी आ गई है और साढ़े को तकरीबन आर ई सी रैक्टेंगल लगाने हैं कि सारा सारा काम होएगा ना ठीक है। ठीक है सर अच्छा असी हूँ बनानी है असैम्बली ठीक है। असैम्बली अस असी सिंपली जो थोड़े को असैम्बली असर साढ़ा कि एक रोड का एक सैक्शन है क्रिएट असैम्बली सिंपली इतने असी नाम देंगे अपना एम एल ठीक है 01 ठीक है नाल असी कर देने 25 मीटर ठीक है ना। फिर असैम्बली टाइप अदर है काफ़ी सारे हैं लेकिन असी अदर रखना थे असैम्बली स्टाइल बेसिक है आल कोड्स ठीक है ना ओके वो कहना क्लिक करो जी किस जगह पे पॉइंट क्लिक करा मैं जनाबे वाली इतने जाके क्लिक कर देना इस जगह पर हूँ यह जरा पॉइंट लगे ना साडा वाला ये पॉइंट असल साडा ए वाला पॉइंट है ए वाला ठीक है सेंटर लाइन का और टिपिकल दे विच सानू दस्या गया कि यही साडा पी जी एल की वे डिजाइन लैवल भी साडा ए ही है ठीक है।
हूँ असं जनाबे जन्म वर्किंग ड्रॉइंग दे साडा पी जी एल और यही साडा की है डिजाइन लैवल और यह साडा वो सेंटर वाला पॉइंट है। हूँ असं चैक करना है कि सानू की क्या जा रहा है। वो कहिंदा 30 सेंटीमीटर इत्थे शोल्डर है, वो 30 सेंटीमीटर की है फिलहाल सानू हाले पता नहीं है, साडे कोल डिटेल उहदी नहीं हैगी, लेकिन 30 सेंटीमीटर जिहड़ा ना कोई चीज़ इत्थे मौजूद है। असीं की करने आ, असीं सिंपली जाने आ इस जगह दे विच प्रॉपर्टी लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर है, ठीक है, कैलकुलेटर है, इत्थे मैं जाना टूल स्पेस कित्थे हैगा वे टूल स्पेस लेयर मैनेजर मैं क्लोज कर देना, इस जगह कैलकुलेटर में भी क्लोज कर देना, प्रॉपर्टी आ गया ए टूल स्पेस आ गया, ठीक है। उस तो बाद एक थले एक एक बटन है टूल पैलेट्स का, ए देखो ए वाला ए शॉर्टकट है कंट्रोल 3। अगर मैं कंट्रोल 3 कर रहा ना ए शो हो गया, ठीक है। अगर मैं डिलीट कर देना वा फिर वापस चला गया। अगर ए देखो ए बाकी जो ने सारे ब्लू कलर के ब्लू शेडिड होए हुए हैं, ठीक है, सिलेक्ट ने, ठीक है ना। जिस वक्त मैं इन्हों अगर इनू सिलेक्ट कराँगा यही ब्लू शेडिड हो जाएगा, ठीक है। राइट क्लिक करना वा और इनू करना एंकर राइट, ठीक है। ए देखो ए आ गया, ए वो बाय डिफॉल्ट चीज़ा ने असैम्बली के मुतलक टिपिकल के मुतलक जिड़िया के सिविल 3D ने सानू दित्तियां हुई ने, सानू इन्हें विच इन्नी खपन की जरूरत नहीं हैगी, ठीक है ना। असी जाना लेन दे विच, ठीक है, ए काफ़ी सारे लेन बने हुए हैं, ठीक है ना। असी कोशिश करनी है कि इन्हों ही इस्तेमाल करके अपना जोड़ा भी ना सा मसला हल कर लिए रोड का। ये सू कुकर भी दिती हुई है, नज़र आ रही है, सू शोल्डर भी बाय डिफॉल्ट दिते हुए हैं काफ़ी सारे, सू मीडियम भी दिते हुए हैं काफ़ी सारे, डे लाइट दलोपा भी दिखाई हुई काफ़ी ज़्यादा, जेनरिक लिंक्स भी दिते हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, ट्रेंच भी दी हुई हैं, यानी ये बाय डिफॉल्ट ऑटोकैड सिविल 3D की जिस तरह इंस्टॉल कर दे आता है चीज़ा नाल आदि। मगर बाज़ औक़ात की होंगे कि साडा कुछ चीज़ा इन्होंने मैच नहीं कर दी, मसलन हम देखो ना ए एक चीज़ आ रही है, अगर तुम शो डिटेल चैक करो देखो ए इतों इंज सीधी आ रही है, फिर एक रब ये फसी है, इतों एग्रीगेट इंज होया इंज गया वे इस तरह गया वे, फिर स्लोप दिन आया वे, फिर थोड़ी जी इत एक्सटेंशन बनी है, फिर इंज स्लोप गई है, मेरी गल समझ आ रही है, वो नहीं जाती है। उन्होंने सानू सिंपल सिंपल चीज़ा बनाई ने पचीतगियां ने वालियाँ ए पचीतगियां वास्ते साढ़े को सॉफ्टवेयर है सब असैम्बली कंपोजर, गल नहीं समझ आई है। सब असैम्बली अगर टिपिकल इस तरह का हो, अगर टिपिकल नॉर्मल होता जिस तरह के ए टिपिकल मैं बना के तुम वहां लगा वा, ठीक है ना। लेन, ठीक है, अगर ए लगा लगा ए लेन देखो, ठीक है ना, ए लेन लग गया, वो दसन दिया कि साढ़े को टॉप थे एसफाल्ट है, ठीक है,
ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋਲਡਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਿਪੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸ਼ੋਲਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਤਾਂ, ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਕਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰੀਬ ਤਰੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇ 15 ਸੈਂਟੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 30 ਸੈਂਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ 15 ਸੈਂਟੀ ਲੈਫਟ ਅਤੇ 15 ਸੈਂਟੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਨਾਬੇ ਲਈ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਲਕ, ਨੇਮ ਲੇਨ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ AOR, ਇਹ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਟਰੀਓ ਕਲਰ ਵਗੈਰਾ ਵਗੂਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਟਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਕੋਡ ਆਲ ਸੈੱਟ, ਡਿਫਾਲਟ ਲੂਪ ਇਨ ਲੇਆਊਟ ਲਾਸਟ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਡਵਾਂਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਈਡ ਰਾਈਟ, ਵਿਡਥ ਦੀ ਹੈ 3.60 ਮੀਟਰ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 15 ਸੈਂਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਲੋਪ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, 0% ਹੈ, 0% ਸਲੋਪ ਹੈ। ਪੇਵ ਡਿਪਥ, ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਪੇਵ 1 ਹੈ 2 ਸੈਂਟੀ ਦੀ, ਪੇਵ 2 ਹੈ ਡੈਪਥ ਇਹ ਵੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਪੇਵ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੇਵਾਂ ਨੇ 0 ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਕਿਉਂ 0 ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ੋਲਡਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਲੇਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ 20 ਅਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹ 0.30 ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 2 ਪੀਲੇ ਦੇ ਯਾਰ ਐਰੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਲੈਫਟ ਔਰ ਰਾਈਟ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੇਵਟ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨੋ, ਯੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 30 ਸੈਂਟੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਸਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਟੂਲ ਬੋਕਸ 'ਚ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮਿਰਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਨੋਰਮਲ ਮਿਰਰ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਿਰਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਇਹ ਵੇ ਆਰ ਫੋਰ ਰਾਈਟ SH ਮੈਨ 0.15, ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ Ctrl C, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮਾਡਲ ਸਪੇਸ 'ਤੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡੀਸਲੈਕਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਾਵੋ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ Ctrl V ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਲੈਫਟ, ਇੰਟਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਨ ਵਿੱਚ 6.60 ਮੀਟਰ 2% ਦੀ ਸਲੋਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾ ਦਿਆਂ, ਸੇਮ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ
कॉपी करना इथू इनू मैं लगाना कितने वे इन मैं इस पॉइंट से लगाना है या रेड पॉइंट ने वाला इथू स्टार्ट होना इन्हें ठीक है ए किन्नी विड थे प्रॉपर्टी जाके मैं करना चाहे दो कर ला तीन इशारिया तीन दे चाहे एक ही कर लवा मैं छे इशारिया सठ का स्लोप किन्नी सी 2% बाय डिफॉल्ट -2% देखे ना प्लस दी है स्लोप असी ऊपर हो गया माइनस तुसा फुल पंजाबी मोड़ रखे है तह हो गया ठीक है ठीक है इनू असी जनाब नाम देंगे राइट लेन आर एल ए एन ई लेन एल ए एन ई 6.6 ठीक है जनाब ए लग गया एद असी मार देने मिरर ठीक है इनू सिलेक्ट करके ते प्रॉपर्टी जाके इधर राइट की जगह पर की करेंगे सी ठीक है बन गया हूँ यह चीज साड़ी नॉर्मल सी साड़ी टिपिकल दे साड़े को बन गई है अच्छे अगे जाके की कह रहा वे चेक करो कि फिर 30 सेंटी का की है शोल्डर है सही है हूँ वो शोल्डर केड़ा वे उसकी डिटेल नहीं है असी उन्हें कंसीडर यही करांगे कि सेम यही शोल्डर हैगा वे इसे स्पेसिफिकेशन का ठीक है मैं इनू कॉपी करना ठीक है इसका साइज कितना कर देंगे असी 0 नहीं ठीक है देखो मैं जेड़ी चीज अज तक तुहानू क्लियर हो गया वे सही है इतने हम जो शोल्डर वे ना एस एच वाई जोड़ा वे एस एच वाई ये एस एच वाई पता की चीज़ है मैनु शक है पै रहा यह जो रोड का शोल्डर है ना वाला कि शोल्डर ना हो 30 सेंटी अगर यह शोल्डर होंगे ना तो फिर इस जगह तो अगे साडा की होना सी नहीं नहीं ये नहीं है इतने इतने अगू जनाब वाली साड़ी ए पार्किंग मिलनी है वो शोल्डर साडा इतने आके बनना इस जगह के उत्ते ना उत्ते नहीं बनना 30 सेंट की कोई कर 30 सेंट की कोई कर भी हैगी है यदि डिटेल वैसे देखा बाद चुकी है लेकिन मैं फर्ज है करना अगर कर्व भी होगी कर्व सू बनानी पवेगी ठीक है ना ले सर मेरे ख्याल में एक कर्व भी हैगी शोल्डर जोड़ा ना ए जी डिटेल टू ठीक है ना या तो ऐ वे तो या इस जगह के उपर कोई कंक्रीट इस्तेमाल होगी ठीक है ना शोल्डर की जी पूरी 30 सेंट जी ना जिन्नी होगी वो बड़ा मैं इस चीज़ का कन्फर्म नहीं है ये मैं कन्फर्म सुबह करा सा प्रोजेक्ट चल रहा पे ठीक है ना असं काम कर रहे हैं 30 सेंट की चीज़ है मैं भी अपने नॉलेज वास्ते भी कन्फर्म कर लगा लेकिन इतने मैं फिलहाल यह समझ रहा वा
कि इत्थे जिहड़ियां साडे कोल शोल्डर ही है 30 सेंटी का एक स्ट्रक्चर ही है दा हिस्सा ही है ठीक है। उस तो बाद की कह रहा 2.5 मीटर की पार्किंग है तो स्लोप उसकी किधर वे डाइवर्ट है यानी कि अगर मैं इनू कापी करा तो नाम चेंज करेंगे पहला असी आर एस एच ठीक है ना एस एच वाई ठीक है इंटर किया हूँ सर साड़ी इतने पार्किंग आनी है इस जगह के उपर कॉपी जी सर इसे कैटागरी की पार्किंग असल रोड का लेन ही है लेकिन वो एज ए पार्किंग इस्तेमाल होना है पी ए आर के पार्क 2.5 और स्लोप जी है ना वो साढ़े को 2% प्लस है ठीक है। हूँ इस तू अगे जो हिस्सा है ना वो बननी है कर्ब ऐ वाली ठीक है ना उसकी डिटेल साढ़े को की है उसकी डिटेल साढ़े को ऐ पाई हुई है टू नंबर ठीक है ना ए डिटेल दी है ठीक है और 30 सेंटी की फुल हाइट है ए 2 सेंटी थले मटीरियल पे आवे ए 5 सेंटी की उत्ते पेवमेंट आवे ठीक है ना सॉरी किदी मैं तुम आना मैं कॉपी करना रहना एक सैकेंड बल्कि एक कॉपी किया मैं इतने ना वर्किंग ड्राइंग मैं इनू कॉपी करना जरा कंट्रोल सी कंट्रोल वी ठीक है ए चीज़ सारी मैनू नहीं चाहिए है बारे डिलीट ए जनाबे ठीक है ठीक है ए कर बी सारी उसकी डिटेल हैगी है ठीक है ये जी ना ए वाली ये सानू सिविल 3D बनानी पैनी है गल दी समझ आई है दुआ आवाज आ रही है सबर करो बाद चुनू आनी हूँ यानी कि कहने का मकसद ये वे कि हूँ साढ़े को असी अगे ऐ तो बना लिया टिपिकल इन्ना कोई हिस्सा अभी बना लिया अज वाला इस तू अगे असी हूँ साढ़ा काम की हो गया रुक गया असी नहीं मूव कर सकते जिनी देर तक असी इतने कर्व ना लगे एकोरेट डायमेंशन दे नाल एकोरेट तरीके दे नाल ठीक है ना कर्व ना लगे साढ़ा काम अगे नहीं चलेगा ऐसी कोई कर्व मौजूद ही नहीं है जी इस डिटेल की हो अगर मैं टूर पैलेस जाना वा कर्व दे विच
कुछ कर्बा है ने, ठीक है ना, कोई ऐसे चीज मौजूद नहीं है, ठीक है, लिहाजा सानू जरूरत पै गई हूँ सब असैम्बली कंपोजर की, हूँ पै गई। इसका मतलब यह कि अगर सिविल थ्रीडी का इन्ना काम सीख लिया हो तो इस तू अगे तो काम ही नहीं चलना जो सब असैम्बली कंपोजर ना आता है। बंदा गया ना तो सब असैम्बली कंपोजर हूँ असं इतने मैं लैक्चर थोड़ा जहा एंड करा अद्धे घंटे तक मैं तो हमारा कि जी चीज़ असी बनाई है ना यह जी चीज़ बनाई है वाली इनू सब असैम्बली कंपोजर किस तरह वेखद की कहता वे मैं सिलेक्ट करा राइट क्लिक सब असैम्बली प्रॉपर्टी ए मैं उसका नाम रखा सी ए पैरामीटर्स ने थले वे हेल्प फाइल अगर तुसी इंटरनेट ना कनेक्ट हो तो यह ऑनलाइन खुल जाएगी अगर तुसी इंटरनेट ना कनेक्ट नहीं और तुहानू हेल्प की जरूरत पै गई है तो फिर तुहानू एक सैटअप फाइल होंगी है ये तकरीबन कोई 400-450 MB की ना वो इंस्टॉल करनी पैनी है वो ऑफलाइन भी चलेगी। मेरे को फिलहाल कनैक्ट हैगा वे मैं इनू खोलिया होया वे हूँ सिविल सिटी डायरैक्ट मैनू उस हेल्प फाइल के डॉक्यूमेंटेशन तो लैके जाएगा मैं इनू क्लिक करना वा दसन डे दी असैम्बली क्रिएट ए क्रॉस सैक्शन सारी सारी की डॉक्यूमेंटेशन है ना सारी सारी की सारी है चैप्टर ने तुसी इन्हों पढ़ सकते हो मगर जी चीज़ असी वेखनी है यह चीज़ बनी है सब असैम्बली कंपोजर अगर अगर सब असैम्बली कंपोजर असी यह चीज़ बनानी हो बिल्कुल ठीक है तो कह रहा है इस तरीके की विड्थ अटैचमेंट ए पैरामीटर्स ने वो कह रहा है विड्थ डिफॉल्ट स्लोपा लैफ्ट स्लोपा थले चलो ए पॉइंट उन्हें यूज़ किए उन्हें P1, P2, P3 ए कि पॉइंट ने थले चलो होर जरा ए वेखो जेड़े लांदे रहे आपां अगर मैं डायरेक्ट इत्थे जांदा ना सर जी तो तुहानू कन्फ्यूजन होनी सी तुहानू पिछे बैकग्राउंड तुहाडी बेस दी तां बनाई सी ताकि तुसी जिस टाइम इत्थे जावोगे ना तुहानू पता चल जाएगा कि जिहड़ा असी मैनुअल काम करने आ ना उहनू सिविल थ्रीडी ने किस तरीके नाल डॉक्यूमेंटेड रीड कर दे और अगर जिस टाइम असी चीज़ बनानी है ना तो इन्हां चीज़ां नू ही यूज़ करना है। सही है ना P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 इतने वो कह रहा वे ए पॉइंट्स लिंक्स और शेप्स तो यह उन्होंने कोड ने। हाँ जी सिविल थ्रीडी नहीं पता है कि मैं यूज़ करने वाला बंदा कितने बैठा हो ना उन्होंने ये पता वे कोई एक्सपर्ट यूज़ कर रहा है ना उन्होंने ये पता वे कि मैं किस तरह इस्तेमाल होना है जिस वक्त तुसी सब असैम्बली कंपोजर दे विच तुसी पॉइंट लगाने ने ना तो उन्हों उही कोड देने ने जिहड़े कि सिविल थ्रीडी समझदा वे यानी जिस वक्त फाइल सब असैम्बली कंपोजर च बनेगी ना ऐ देखो बिल्कुल P1 उन्हें क्राउन समझदा क्राउन कहना है और मजे की गल है CROWN कहना है CRA नहीं कहना आ P2 कह दिया हाँ ऐसा P2 कह रहा है इनसाइड एज ऑफ लेन एंड फिनिश ग्रेड सही है कोई एडा मुश्किल नहीं है टेंशन नहीं लैनी है इन इन्ने को आसान तरीके तुम समझावे तुम कहो यार क्या ही बात है ठीक है ना ये सारे तुम याद करने की जरूरत नहीं है जिस टाइम असी पॉइंट 1 लगाना उत्थे
पॉइंट लगाना इतों कापी करना उसे पेस्ट कर देना बस दैट्स इट। समझ लग गई ठीक है। हूँ असी चलने इनू बंद करने हूँ असी चलने करबल ठीक है ना। जो भी काम करना वा ना काम करने पहले तुहानू एक चीज़ का पता होना चाहिए रे कि तुसी जिहड़ी चीज़ बना रहे हो ना इहदी कैलकुलेशन तुसी लीनियर मीटर च करनी है या स्क्वेयर फिट च करनी है या क्यूबिक मीटर च करनी है या क्यूबिक फिट च करनी है। यह जी करब है ना वाली करब ये आलमोस्ट 90% जिहड़ा लीनियर मीटर च ही होंदी है यानी हाँ जी लंबाई एक पर दो आवे उस सीमेंट की कंक्रीट का बन के आना वे ठीक है। अगर नहीं बन के आता भी ये बने बनाए होंगे है ना तुम साइड तो नहीं बनाते होंगे ठीक है ना। तो सानू ए वाला एरिया मिल जाएगा असी लेंथ के नाल जरब देंगे ठीक है ना तो साढ़े को वॉल्यूम निकल आएगा मगर सानू इस जरूरत जान की जरूरत नहीं सानू लीनियर मीटर चाहिए वे कि किन्ने मीटर लंबा ये सानू चाहिए वे 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 400 किलोमीटर है ठीक है। उस 400 मीटर या 400 किलोमीटर असी दी एक लेंथ डिवाइड करांगे साढ़े को टोटल निकल आएगी क्वांटिटी ठीक है ना। उस तो बाद थले आती है ये सफेद सफेद लाइनां लगियां ने कि ए थले मसाला पैना जिहदे उत्ते ने खलोना वे ए मसाला ये जिहड़ा मसाला होवे ना वाला ये मेरे ख्याल नाल क्यूबिक मीटर च कैलकुलेट होगा लेकिन आइटम तो है ना सर जी जिस टाइम मैं इन्नी इस्तेमाल होनी है प्राइस देखो कि किस तरह बननी है। हाँ जी ये 2 सेंटी है 2 सेंटी मसाला पैना वे वो मसाला बनना सीमेंट तो रेत का ठीक है सीमेंट ही पैना तो रेत ही बनना हाँ जी। उस तो थले जी 25 सेंटी है ना ये मेरे ख्याल ना कोई सिलेक्टेड मटीरियल है सब ग्रेड होगी या मिट्टी होगी जो भी होगी अभी चेक करेंगे इनू यानी असी जिस टाइम शेप बनानी है ना वाली उस वक्त असी करो गल नहीं ना मिल नहीं ना सानू ये चीज़ कितों भी बनी हुई नहीं मैंने सानू सारी की सारी बनानी पैनी है। हाँ जी सर प्री कास्ट से यह चीज़ मिलेगी ना ए वाली ये तो साइड तो मौके पर लाने वास्ते मिलनी है ना तुम तो अपने कॉन्ट्रैक्टर दसना पा कि 4000 मीटर लैवो या 3536 मीटर लैवो तुम उन्होंने कोई लेंथ दोगे तो वह हिसाब में लैके आएंगे ना तो वो लेंथ कैलकुलेट करनी है ऑब्जेक्ट बना के असी इनू ऐसे लावे इस जगह के उपर इतें लावे फिर इनू रन करा कोरीडोर ए उपर अलाइनमेंट से वो दोनों साइडा तो रन होगा फिर सानू दसेगा कि इन्ने मीटर मैं यूज़ हो रहा वा फिर तुम वैल्यू दोगे अगे मेरी गल नहीं समझे। नंबर एक तो यह चीज़ होगी नंबर दो तुसी वैसे भी कट सकते हो इतने यदि आउटर की लेंथ ले लो ऑफसाइड दे के जिन्ना लेंथ हैगी हिसाब न लेकिन मसला सिर्फ ये ना कि किन्नी कु वारी कढ़ोगे इस जगह से वेखो इतने आ रहा है इतों फिर कर्व हो रहा है इतने अलाइनमेंट मिल रही है जिस टाइम सैक्शन कटने ने सैक्शन जो तुम कट्टोगे तो सैक्शन के सैक्शन सबमिट करवाने ना उसके अगर यह चीज़ शो नहीं होगी तो कहेंगे सैक्शन ही नहीं सही है नहीं गल समझे हूँ थोड़ी जी सिविल थोड़ी बोरिंग शुरू हो गई हूँ क्योंकि पहले जो चीज़ें सारे कीतियां ने वह तुम्हें पहले थोड़ा जहा पता से कुछ नहीं पता कॉन्सैप्ट क्लीयर होने अगे जी चीज़ आ रही है ना हूँ यह सेंटर वे इस तो अगला भी काम बहुत आसान है वह भी तुम्हें आंदा है मैं दावे का कहना इस तो अगला है कोरीडोर रन करने ने सैंपल लाने ने मटीरियल कैलकुलेट करने ने
एनालाइज करना है, अगर नहीं आंदा तो उदा को आइडिया भी होगा ना मकसद गल करन दा है, मगर अगला हिस्सा बनना ही ताम है जो ए चीज कंप्लीट होगी, ते ए चीज कंप्लीट होगी तो फिर कह गए अंत कम रात ही पेगा हाँ, फिर तुम कहो कि खमसा शल्फ समय लगी है ना, लिहाजा दिमाग से ज्यादा बर्डन ना पवे हूँ, तो मैं इस लैक्चर अज इत क्लोज करना वा ठीक है, ठीक है ना, कल असी इंशाला इस चीज़ में जो लेन बनाया वाला ठीक है ए वाला ठीक है ना, इतने हम सारा कोरिडोर रन होना वे ठीक है, तो असी इंशाला कल फिर ना सब असैम्बली कंपोजर च बनावे ठीक है, सब असैम्बली कंपोजर चाहिए तेरे को जो अज जिन्ना नॉलेज मिले ए पॉइंट लिंक शेप वाला इनू जरा रिवाइज करो, उस तो बाद जरा थोड़ी जी प्रैक्टिस भी करो जिनी हो सके, फाइलों खोल के चेक करो ठीक है ना, तो फिर इंशाल्लाह कल असी ना इस मुकम्मल चीज़ नू इस हिस्से नू सिर्फ असी इस हिस्से नू उस च बनावांगे, और सानू ए भी प्रॉब्लम होनी है ए वाली भी ना ए जिहड़ी है ऐ इतों एन जावे ठीक है ना, ये भी सानू बनाना पैना वे, ये भी असं बनावे इंशाल्लाह फिर देखा ठीक है, तो मैं इजाजत है जनाब हूँ ठीक है सर, ओके अल्लाह हाफिज़ जी।